हेलो, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन ट्रेपोजॉइडल सेक्शन, जो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन होता है, उस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम है ट्रेपोजॉइडल चैनल सेक्शन का। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ट्रेपोजॉइडल चैनल सेक्शन है, ठीक है। उसने बोला है कि साइड स्लोप 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल है। साइड स्लोप की बात कर रहा है, जैसे आप ट्रेपोजॉइडल सेक्शन का डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका ट्रेपोजॉइडल सेक्शन होता है इस तरह का। तो जब भी हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो साइड है उसका जो एंगल बनता है वो आपका साइड स्लोप होता है। तो साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल, है ना, 2 वर्टिकल दिया हुआ है। और साइड स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, साइड स्लोप को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन से साइड स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका बेड स्लोप। बेड स्लोप वैसे ही जैसे ये कोई चैनल है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है बेड का वो होता है आपका साइड स्लोप। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, 1 in 1500, ठीक है। फिर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, जो चैनल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सेक्शन इफ इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। बोल रहा है कि आपको ट्रेपोजॉइडल सेक्शन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है और उसमें आपको बताना, हाँ, डायमेंशंस फाइंड आउट करना है जब ये चैनल रेक्टेंगुलर चैनल क्या है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल है, तब जाकर के आपको, मतलब उसने क्या बोल दिया है क्वेश्चन में कि आपका जो चैनल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। चैनल क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। और क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आपको चेजी कोफिशिएंट का भी मान दे दिया है, C=50। अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, गिवन डेटा लिखा है ना। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन डेटा लिखना है। तो जो साइड स्लोप है जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल है, यानी कि 1/2। बेड स्लोप आपका आई है, 1 in 1500, यानी कि 1/1500। एरिया आपको गिवन है 40 मीटर स्क्वायर और सी का भी वैल्यू गिवन है 50। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि चैनल जो है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल है और उसने एरिया का भी वैल्यू दिया हुआ है। आपको मोस्ट इकोनॉमिकल का रिलेशन लिखना है जो ट्रेपोजॉइडल सेक्शन का है और एरिया को रिलेट करना है, तभी जाके आप डायमेंशंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए क्या रिलेशन है ट्रेपोजॉइडल सेक्शन में, ट्रेपोजॉइडल सेक्शन में बोलता है कि जो टॉप विड्थ है, टॉप, जैसे ये देखिए ये आपका ट्रेपोजॉइडल सेक्शन है, ये टॉप विड्थ है। तो टॉप विड्थ आपका क्या होता था, B+2ND, है ना, यही होता था। और ये आपका डेप्थ है डी, और ये जो बॉटम की विड्थ है इसको हम लोग बी बोलते थे। तो ये जो टॉप विड्थ है, है ना, B+2ND का हाफ, यहाँ पे देख रहे हैं B+2ND/2, कहने का मतलब है टॉप विड्थ का हाफ क्या होता है, साइड स्लोप लेंथ के इक्वल होता है। ये आपका साइड स्लोप लेंथ है। यहाँ पे आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो टॉप विड्थ है, यहाँ पे देखिए ये जो टॉप विड्थ है आपका, वो टॉप विड्थ का हाफ क्या होता है, साइड स्लोप लेंथ के बराबर होता है। ये आपका साइड स्लोप लेंथ है, इस लेंथ के बराबर होता है। यही कंडीशन हमने वहाँ भी प्रूव करी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आप जानते हैं उसको पुट कीजिए। आगे क्या है, आगे यहाँ देखिए B+2ND, हमने 2 को क्या किया है इस तरफ लेके गए हैं,
टू डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एन का वैल्यू रखा, एन का वैल्यू आपका कितना है, वन अपॉन टू। एन का वैल्यू हमने वन अपॉन टू रखा है, यहाँ पे देखिए बी प्लस टू एन डी, टू के जगह टू और एन के जगह वन अपॉन टू इन टू डी इक्वल्स टू टू डी अंडर रूट वन प्लस एन का वैल्यू कितना है, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ 2d और यहाँ इस तरफ से जो d था, है ना, ये जो d है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है आपका और ये सिंगल d बच गया है, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इक्वल टू 2d अंडर रूट 1 प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस का d। हमने यहाँ वैल्यू रखा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, d को कॉमन कर लिया हमने और सारी चीज़ें जो डिजिटल वैल्यू है, डिजिट वाला वैल्यू है उसको हमने सोल्व आउट किया है। तो b का वैल्यू क्या आया है, 1.23 इंटू डी, ये आपका b का वैल्यू आया है। जब आपको b का वैल्यू पता है, b इक्वल टू इतना आया है, तो हमने क्या किया आगे कि जो एरिया है आपका, एरिया का जो फॉर्मूला है उससे हमने रिलेट किया ताकि हमको डेप्थ फाइंड आउट कर सके। तो ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के, सेक्शन जो होता है उसके लिए क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। जैसे ये ट्रेपोजॉइडल, सॉरी ये आपका ट्रेपोजॉइडल सेक्शन है, इस तरह से आपका ट्रेपोजॉइडल सेक्शन होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, बी डी प्लस एन डी का स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना है आपका, बी इक्वल टू 1.23 डी इंटू डी हो जाएगा और एन, एन का वैल्यू कितना है, हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, आगे एरिया आपका 40 है, आपको पता है कि एरिया गिवन है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, ये जो d इंटू डी दिख रहा है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, फिर हमने डी स्क्वायर को इस तरफ लिखा है, तो ये जो 40 है, ठीक है ना, वन मिनट, डी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो 40 के नीचे जाएगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको d का वैल्यू फाइंड आउट होगा, d इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4.8 मीटर। d का वैल्यू कितना हो गया, 4.8 मीटर। अब b इक्वल टू आपको पता था, b का वैल्यू कितना है आपका, 1.23 डी, डी का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से b का वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आए हैं। बी का वैल्यू कितना है, 5.91 मीटर। आप जानते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए क्या होता है, डी अपॉन टू। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए, डी अपॉन टू। डी का वैल्यू आपको पता है 4.8 है अपॉन टू, यहाँ से आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकल के आया है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस का वैल्यू क्या है, एम इजक्वल टू 2.4 मीटर। अब आपको क्वेश्चन ने डिस्चार्ज भी पूछा है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्यू इजक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई। अब सारे डेटा आपको पता है, डेटा पुट कीजिए और डिस्चार्ज का वैल्यू लाइए। आपको एरिया पता था 40 मीटर स्क्वायर, सी का वैल्यू 50 है, एम का वैल्यू 2.4 है और आई का वैल्यू क्या है, 1/1500। यहाँ से डिस्चार्ज का वैल्यू आपका आ गया 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रेपोजॉइडल सेक्शन पे जो न्यूमेरिकल है उसको समझने में मदद मिलेगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।